कहानी लेके आया हूँ। ये कहानी है किसान और उसके बेटों की। एक गांव में किसान रहता था जो बहुत मेहनती था, लेकिन उसके बच्चे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते थे और सारे काम के लिए टाल मटोल करते रहते थे। एक दिन किसान ने सोचा कि उसके बेटों को सही रास्ते पे लाने के लिए उसे कुछ करना पड़ेगा। फिर किसान को एक आइडिया आया। किसान ने अपने बेटों को बुलाया और उनसे बोला, बच्चों तुम्हें मालूम है मैंने खेत में एक खजाना छुपाया है, जाओ तुम उसे जाके ढूंढो। किसान के बेटे ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो लोग गांव खेत की तरफ भागते हैं और पूरा खेत खोद देते हैं, लेकिन उनको कोई खजाना नहीं मिलता है। जब किसान के बेटे उसके पास आते हैं, फिर वो लोग किसान से कहते हैं, पिताजी हमें खेत में कुछ भी नहीं मिला, आपने बोला था कि खेत में खजाना छुपा है। फिर किसान कहता है, नहीं मिला क्या? शायद मैं भूल चुका हूँ मैंने उसे कहाँ रखा था, तुम मुझे थोड़ा समय दो याद करने के लिए, तब तक तुम ये जाकर ये बीज डाल दो खेत में, वैसे भी तुमने पूरा खेत खोद ही दिया है। फिर किसान के बेटे वो बीज जाकर डाल देते हैं। कुछ समय बाद वहाँ पर बहुत अच्छी खासी बारिश हो जाती है और उनकी फसल बहुत अच्छी हो जाती है। जब किसान देखता है कि उसकी फसल बहुत अच्छी हो चुकी है, वह अपने बेटों को बुलाता है और उनसे कहता है, ये देखो ये है हमारा छुपा हुआ खजाना, जाओ इस फसल को काट दो और मार्केट में जाके बेचो, तुम्हें इसके बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। फिर किसान के बेटों को ये समझ आ जाता है कि हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें। मैं और वीडियो के साथ आऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय।